नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज जो है हम जो है ये ट्राई करेंगे बढ़िया छोला भटूरा मसालेदार घर का बना हुआ। आप देख सकते हैं कितना फूला फूला ये भटूरा है और ये रहा टेस्टी छोला मसालेदार और ये रहा रायता और ये रही बढ़िया जो है इमली की पतली वाली चटनी, इमली पतली वाली चटनी ये। और ये जो स्पेशल मैं दिखा रहा हूँ आपको ये दोस्तों, ये प्रयागराज की बहुत ही मशहूर दमालू है हरिराम एंड सन्स की। दोस्तों प्रयागराज में समोसा दमालू, खस्ता दमालू बहुत फेमस है। ऐसा दमालू आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं है। यहाँ का ये फ्लेवर अलग ही है, अलग तरीके से ये दमालू बनाया जाता है। तो ये प्रयागराज का बहुत ही मशहूर दमालू है जो कि केवल प्रयागराज या आसपास के ज़िले में जो लोग जानते हैं वो लोग इसका इस्तेमाल बहुत करते हैं। जो लोग प्रयागराज आए होंगे, खाए होंगे तो वह इसे जानते होंगे। ये हो गया और ये रहा खस्ता दमालू, ये हरिराम का जो है दमालू और ये खस्ता, ये फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों ये देखिए कितना बढ़िया से फूला हुआ ये भटूरा है, फर्स्ट क्लास। और ये रहा राइस, देख सकते हैं आप। और ये रहा प्याज और टमाटर, हरी मिर्च, ये तली हुई बढ़िया हरी मिर्च है। आइए अब हम लोग बिना देरी किए फटाफट शुरू करते हैं। ये देखिए ये बढ़िया से इसे थोड़ा ऐसे, और अब हम लोग शुरू करते हैं। जय माँ अन्नपूर्णा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा छोला बनाया है भाभी माँ ने। जितनी तारीफ की जाए कम है दोस्तों, मेरी भाभी माँ बहुत ही बढ़िया खाना बनाती है, सच है। जो लोग खाते हैं वही जानते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी, बहुत ही बढ़िया दमालू। भाई वाह, मज़ा आ गया। बहुत ही सॉलिड, छोला नंबर वन बनाया है। पूरा खाना ही ए ग्रेड में। दोस्तों चटनी तो मुझे भटूरे वजह से दिख ही नहीं रही इधर। वाह भाई वाह, वाह भाभी माँ। बहुत ही बेहतरीन, मज़ा आ गया। चटनी नहीं लाना भैया, रायता भी निकाल लो। अब ये ट्राई करते हैं। चलो जरा से ये ठंडा करता, खासी बहुत ही बढ़िया। Bye.
दोस्तों आपको मेरे चैनल पे, मेरे फेसबुक पेज पे एक से एक खाने की वैरायटी, वेज नॉन वेज सारी देखने को मिलेंगी, चाहे वो घर का हो चाहे वो बाहर का हो, हर जगह का। तो आप लोग मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको एक से एक खाने का आनंद मिल सके। नहीं खाएगा शिवू, तेरा मन नहीं है। छोड़ा लग गया दोस्तों, खाने का मज़ा, हालांकि मैं बचपन से ही जब से हो संभालो चम्मच से खाता आ रहा हूँ, लेकिन सच में खाने का मज़ा देसी ही अंदाज़ में आता है, ये सच है। तो हम इसे देसी अंदाज़ में ही खाएंगे, हाथों से। ये देखिए दोस्तों, जो खाते समय हाथ को बढ़िया से उंगलियों को चाटते हैं, आ हा हा, ऐसा अंदाज सिर्फ अपने भारत में देखने को मिलेगा दोस्तों। और जब खाना अच्छा बना हो तो उंगली चाटने का मन करता है। ये देखिए, ये बढ़िया सब और बनाया, ये वाह, मजा आ गया, अति आनंद। बाकी चीज तो खाओ दोस्तों, मैं कभी भोजन छोड़ता नहीं हूँ, उतना ही अपनी थाली में लेता हूँ जितना पूरा खा सकता हूँ, नहीं तो लेता ही नहीं हूँ, मैं खाना कभी नहीं छोड़ता।
और एक खस्ता की आखिरी बाइट भी। वाह क्या धमालू है इसका। ये समाप्त। उंगली चाटने का आनंद दोस्तों ये चटनी भी ये मेरा पूरा खाना समाप्त। दोस्तों खाना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी थाली में उतना ही लेना चाहिए जितना आप खा सकें। ठीक है दोस्तों, तो मैं फिर कहता हूँ आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मैं एक से एक खाने की वैरायटी, चाहे वो शाकाहारी हो चाहे वो मांसाहारी हो, वेज नॉन वेज, घर का हो बाहर का हो, सभी जगह का अच्छा से अच्छा दिखाने का पूरा प्रयास होगा। तो दोस्तों फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।